सल्तनत की नाजुक हालत में नहीं आया कोई सुधार। डॉक्टर्स ने सल्तनत की नासाज तबीयत पर खड़े किए अपने हाथ। शॉकिंग है लेकिन सच है, सीरियल सूफियाना प्यार मेरा में कायनात सल्तनत की किसी भी हाल में जान लेना चाहती है और वो इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। भाई जारून के इश्क का नशा कायनात पर इस कदर हावी है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है और कहीं ना कहीं कायनात अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो रही है। आज जारून कायनात को सल्तनत समझकर अपने दिल का हाल बयान कर रहे हैं और सल्तनत को कायनात समझकर उसकी नाजुक हालत को लेकर परेशान हो रहे हैं। बताओ, खुद बताओ, तुम कैसे ख्याल ना रखूं मैं इसका, कैसे मैं खुद को गुनहगार में समझूं मैं। अब जाहिर सी बात है, जारून अगर कायनात से प्यार नहीं करते हैं तो उनसे नफरत भी तो नहीं करते हैं। बस इसलिए कायनात को लेकर उन्हें चिंता हो रही है। लेकिन बेचारे जारून को क्या पता कि जिसके कंधे का वो सहारा ले रहे हैं वो दरअसल कायनात ही है और जिसकी नाजुक हालत को लेकर परेशान हो रहे हैं वो उनका प्यार सल्तनत है। डॉक्टर ने सब उम्मीदें छोड़ दी और मुझसे कहा है कि मैं इसको घर लेके जा सकता हूँ ताकि अपनों के बीच में मर सके। अब जारून सल्तनत को कायनात समझकर कैसे बचाते हैं उनकी जान, ये तो हम आपको वक्त के साथ बताएंगे ही। फिलहाल आपको जारून के पास लेकर चलते हैं जो कायनात और सल्तनत के बीच बुरे फंस गए हैं। बहुत ज्यादा फंस गया हूँ मैं, और हालांकि बड़ा वियर्ड भी है कि, पर ठीक है, इतना लिबर्टी लेके हम काम कर लेते हैं कई बार। एक शॉट में ऐसा है कि पंख उड़ के आता है तो मुझे उसका एहसास हो जाता है कि पीछे सल्तनत गई है या सल्तनत है, और दूसरे कट्टू हम बात करते हैं तो सल्तनत मेरे सामने, उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो बड़ा वियर्ड भी है, ये ड्रॉबैक भी है, पर ठीक है, लिबर्टी है, ले लेते हैं। जारून, आज आप कायनात की हालत का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहे हैं। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो खुद को दोषी करार दे रहे हैं? कोई भी ठहराएगा, अगर किसी की वजह से किसी पे आँच आती है, किसी की जान जाती है, तो कोई भी जिम्मेदार ठहराएगा। आप नहीं चाहते कि किसी अपने आपकी वजह से कोई हर्ट हो एंड स्पेशली कोई जान दे, तो वो लाइफ टाइम का गिल्ट होता है एक्चुअली देखा जाए तो हाँ, वो एक डर है कि मेरी वजह से हुआ है, मैं इतनी नफरत करता था, मैंने इसको प्यार नहीं दिया या मैंने इससे प्यार नहीं किया, तो वो उस डर की वजह से या उस गिल्ट की वजह से वो है जारून के अंदर, कि वो थोड़ा डिस्टर्ब है इन चीज़ों को लेके। ठीक है, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर। वैसे जारून, जिसके कंधे का सहारा लेकर आप अपना दर्द बयान कर रहे हैं वो तो हकीकत में कायनात है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बैठ के सोच रहा था कि पता होना चाहिए, वही बताया कि अगर आप जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनका टच से ही पता चल जाता है कि ये कौन है, तो वही कायनात है। हाँ, तो मुझे नहीं पता है कौन है। ठीक है, ओके, सीरियल है, आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करके आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट, डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि सल्तनत को अब दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है, सल्तनत को घर ले आया गया है। ऐसे में कायनात की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चलिए अब कायनात के पास चलते हैं और जानते हैं कि वो कैसे इस नई सिचुएशन से निपटेंगी। मुसीबत नहीं यार, सल्तनत आ गई है, मुसीबत तो अभी कायनात जो अभी सल्तनत बन के घूम रही है वो है। बट द बैड न्यूज़ इज़ कि डॉक्टर ने बोला है कि अभी कुछ नहीं हो सकता एंड सल्तनत को ले जाओ, वो मर जाएगी, सो प्लीज़ आप अगर आप चाहते हैं कि घर में यू नो खुशी खुशी आप सबके बीच में वो जाए, सो इट्स गुड, तो ले जाओ। एंड सो एवरीबडी इज़ वेरी वेरी अपसेट, कायनात उसी में मज़ा ले रही है। आई थिंक कायनात इज़ द हैप्पीएस्ट वन कि सल्तनत का अगर पत्ता कट गया तो कमाल हो जाएगा, उसकी लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट, बिकॉज जारून थोड़ा सा गुस्सा है यू नो कि पहले अगर इसको ट्रीटमेंट दिला दी होती तो ये सब नहीं होता, एंड जारून को लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से कायनात की ये हालत है।
वैसे कायनात, जेनाब की नजरें हर पल आपकी हरकतों पर टिकी हैं। कहीं ना कहीं उन्हें शक भी हो गया है, तो क्या आगे जाकर जेनाब भी आपके लिए खतरा बन सकती हैं? अभी जैसे खुलासा होगा, आई थिंक जेनाब और कायनात के बीच में एक बहुत अमेजिंग सीक्वेंस आ रहा है, जो कायनात को भी पता चलेगा कि उसकी माँ को पता है उसके बारे में। सो लेट्स सी क्या होता है दोनों के बीच में। वेल, अब देखना ये होगा कि सल्तनत को कायनात समझकर जारून कैसे बचाते हैं सल्तनत की जान, और सल्तनत की जान बचने के बाद क्या होगा कायनात का हाल। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।